आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अपहरण के बाद फिरौती के लिए कॉल आने से पहले ही नाबालिग की आरोपियों ने पहचाने जाने के डर से हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार तारबहार थाना क्षेत्र के तारबहार बस्ती डीपू पारा में रहने वाले आसिफ मोहम्मद ऑटो डील का काम करते हैं। उनका 17 वर्षीय बेटा रेहान मोहम्मद 10वीं कक्षा का छात्र है। रेहान पढ़ाई के साथ अपने पिता का भी काम में हाथ बटाता है। कल शाम रेहान शाम करीब 6 बजे कहीं निकला और देर रात तक वापस नहीं आया। परेशान परिजनों ने उसे फोन किया, तब उसका फोन बंद आया। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, तभी रात 11:30 बजे रेहान के ही फोन से उसके पिता आसिफ मोहम्मद के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि आपके बेटे का किडनैप हो चुका है और उसे सही सलामत वापस पाना चाहते हो तो 50 लाख की फिरौती तैयार रखो। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। डरे हुए रेहान के पिता समेत सारे परिजन रात भर 12 बजे तारबहार थाना पहुंचे और घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही तारबहार पुलिस के होश उड़ गए और उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पर उच्च अधिकारी रात को ही थाने पहुंच गए और फिर किडनैपरों की तलाश शुरू कर दी गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डीपूपारा निवासी अभिषेक को उठाया गया। अभिषेक मृतक रेहान के ही मोहल्ले का है। पूछताछ में वह पहले तो मुकरता रहा, पर सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया और 2 साथियों के साथ हत्या करना कबूल कर लिया है। एक मिनट, मैडम बताइए। जो मुख्य आरोपी है अभिषेक दान, ये मृतक के परिवार से परिचित था और पूर्व से मृतक से इसकी दोस्ती भी थी। इसको जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ जमीन के सौदे से इनके घर पे पैसा आने वाला है और इसी रकम के लालच में इसने मृतक को बहाने से घर से बाहर बुलाया और 5 बजे करीब मृतक अपने घर से निकला है। उसके बाद से जब परिवार ने संपर्क किया तो इसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। रात 11:15 बजे मृतक के फादर के फोन पे उसी के नंबर से कॉल आया जिसमें फिरौती की रकम की मांग की गई और उसके बाद इन्होंने थाना के 11:30 बजे सूचना सबसे पहली बार दी तारबहार थाने में। पुलिस ने पूरी रात मेहनत करके मशक्कत करके सभी आरोपियों को उठाया और उनकी निशानदेही पर ही मृतक बच्चे की जो बॉडी है वो रानी गांव रतनपुर रोड में हाईवे में एक ड्रेनेज पाइप के अंदर करीब 20 फीट अंदर प्राप्त हुई। उसी के बाद पूरा घटनाक्रम इसमें स्पष्ट हुआ है जिसमें कि 3 आरोपी पूरी घटना में सम्मिलित हैं। इन्होंने पहले गला घूर कर इसकी हत्या करी, बॉडी को छुपाया और उसके बाद पिता के फोन पर रैनसम का कॉल किया। इसमें पूरी घटना में 363, 302, 120 भी के तहत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।